तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा के आवास के बाहर जुटकर खूब हंगामा किया और विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं अब किसानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा ने सफाई दी है। विधायक ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। वहीं विधायक ने कहा कि अगर मेरा व मेरे परिवार का कहीं भी इसमें दोष पाया जाता तो किसानों की महापंचायत मुझे जो भी सजा देगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। रुद्राक्ष मिड्डा और जो फोटो इन लोगों ने, किसानों ने जो फोटो भेजी है वो हमारे पड़ोस में जो डायरी है उनके बेटे हैं और पोते हैं, जो कि एयर गन लेके गए थे, जिसके लिए किसी लाइसेंस की या कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बंदरों की आतंक की वजह से वो लोग ऐसा, और रूटीन में ही वो पक्षियों को दाना डालते हैं। जो किसानों ने, किसानों की आड़ में ये काम किया, कुछ शरारती तत्वों ने जो किसानों की आड़ में जिन्होंने ये काम किया, किसानों से हमारा भी लगाव रहा। मैं भी SYL मुद्दे को लेके पटियाला जेल में रहा, और किसानों में डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जो मेरे पिता हैं उनका भी नज़दीकी रिश्ता रहा, और उन्होंने हमेशा, जबकि मैं एक बीघे का भी जमींदार नहीं, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते, एक पुराने डॉक्टर होने के नाते मेरे पिताजी ने हमेशा जो गाँव के लोग आते थे दवाइयों के, जो भी हमारा प्रोफेशन था उसके चलते भी वो उनके लिए अच्छा काम और अच्छी सोच रखते थे, और हमारी सोच भी इन अन देवताओं के प्रति अच्छी रही है। कभी भी इनके खिलाफ आज तक कोई ऐसी टिप्पणी अगर मैंने की हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। और दूसरा, अगर मेरे परिवार का मेरा भतीजा या मेरा बेटा अगर इसमें सम्मिलित हो, मैंने आपको सारों को प्रूफ दिखा दूंगा और प्रूफ दे दूंगा, क्योंकि महापंचायत ने ये कहा कि 3 तारीख को महापंचायत इस बारे में निर्णय लेगी, लेकिन मेरा भी महापंचायत से निर्णय कि हमारे प्रूफ देखने के बाद उन शरारती तत्वों के खिलाफ एक्शन लेगी। अगर मेरा बेटा और मेरा भतीजा इसमें दोषी पाया जाता है, जो माँ पंचायत फैसला लेगी वो हम मान्य करेंगे, लेकिन उन शरारती तत्वों के खिलाफ माँ पंचायत क्या फैसला लेगी ये भी महापंचायत को फैसला लेना होगा कि उनको क्या सजा मिलेगी। जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा ने कहा कि जिन भी शरारती तत्वों ने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब साजिश रची है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि अगर मेरा वे मेरे परिवार का इसमें कहीं भी दोष पाया जाता तो किसानों की महापंचायत मुझे जो भी सजा देगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।